एक माँ ने अपनी बेटी के दो फोटो लगाए, अब एक तो ट्रे में फोटो पत्र लिख के भेजा, मैं चाय पीऊं तो जिसने पत्र लिखा ट्रे वापस ले जाना। पर आपका स्नेह ये ट्रे नहीं है, निमंत्रण है, कब आओ। मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है, मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूं। कहीं बैठी है, कहीं बैठी है, बेटी आई है साथ में, लेके आओ बेटा, लिया हो उसको लिया। मेरा नाम बबीता चौक से देवांगना है, मैं शिक्षक कॉलोनी वार्ड नंबर 15 कुरुद की रहने वाली हूं। मेरा एक बेटा है, उसके बाद में मेरी 8 साल तक संतान नहीं है। बेटे के 8 साल होने के बाद मेरा कोई गर्व नहीं ठहरा, तब मैंने देवाधि महादेव का पशुपति व्रत किया और पशुपति व्रत करने के बाद मेरे यहां गर्व ठहरा। गर्व ठहरा पर मेरी इच्छा यह थी कि मेरा पहले का बेटा है तो मेरे घर में बेटी जन्म दे। मैं देवाधि महादेव से रोज प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटी का जन्म हो और बाबा की कृपा से पशुपति नाथ भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 14 अगस्त 2022 को बाबा ने मेरी गोद भर दी और मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। पर गुरुदेव, जब मेरी बेटी जन्म ले ली, जन्म लेने के बाद थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी आंख दोनों टेढ़ी थी, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप उस बच्ची का फोटो आस्था चैनल वाले क्लोज कर दिखाएं, जिस फोटो में बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी है उसकी आंखों का फोटो दिखाएं, क्लोज करें। और आस्था चैनल पर एलईडी पर आप मोबाइल पर इस बच्ची का फोटो, जो एलईडियां लगी हैं उन पर भी देख सकते हैं। बच्ची की दोनों आंखें टेढ़ी, बच्ची जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी दोनों आंखें टेढ़ी हो गई, भेंगी हो गई, आंखें पूरी की पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। अब कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं इसको चश्मा लगेगा, पर ये पक्का नहीं है कि इसकी आंख सीधी होगी। इसकी आंख जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, ये जन्म से है तो मृत्यु तक भी इसकी आंख अंतिम अवस्था तक भी ऐसी कैसी बुढ़ापे तक रहेगी। अब हम तो परेशान हो गए, करें तो करें क्या। यहाँ के डॉक्टर को दिखाया, रायपुर दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, पर सभी ने यही कहा कि इसकी आंख ठीक नहीं होगी। तब हमने, जब देवाधि महादेव ने बेटी दी है तो वही समान माना। हमने शंकर जी को एक लोटा जल बेटी का हाथ लगवाकर शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। बेटी को शंकर जी के मंदिर में ले जाते, शिव जी पे चढ़े हुए जल को उसकी आंखों पर थोड़ा थोड़ा लगा देते। प्रतिदिन आंखों पर जल लगाते, थोड़ा सा जल झेल कर लिया तो अपने घर में रखते और पट्टी में उस जल को लगाकर बेटी की आंखों पर लगाते रहते। देवाधिदेव महादेव का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आज मेरी बेटी के जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था वो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, मेरी बेटी की दोनों आंखें ठीक हो गई, दोनों आंखें सम्मुख में हो गई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ और बेटी को साथ में लेकर भी आई। बेटी का दूसरा फोटो देखिए जिसमें बेटी की दोनों आंखें ठीक हो चुकी है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर और फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर भी आप बेटी के फोटो देख सकते हैं जिसमें उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये देवाधिदेव महादेव को मैं नमन करने के लिए आया, मैंने दोनों फोटो यहाँ लगा। अब इसकी आंखें आप देख सकते हैं सम्मुख में, श्री शिवाय नमस्ते। और तेरी कृपा नहिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, गंगधार मुक्ति वार ओंकार तू भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। अब दिल से भजो, इसमें उस बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहन लाइन लिख रही, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी वृद्ध अवस्था तक भी ऐसी की वैसी ही रहे। पर शिव शिव शंकर शंकर, और शिव वो घड़ी उसको पहचानना कठिन है। मैं पुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबेरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है, तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो।